तो जोधपुर की अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में 12वीं में पढ़ रही थी, उसने आरोप लगाया कि आसाराम ने जोधपुर के मरने आश्रम में बुलाकर उसके साथ 15 अगस्त 2013 की रात को रेप किया। लड़की ने कहा कि गुरुकुल में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद गुरुकुल के वार्डन ने कहा था कि इस बीमारी को आसाराम ही पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, जिसके बाद 14 और 15 तारीख को लड़की को आसाराम के पास ले जाया गया, जहां आसाराम ने बीमारी ठीक करने के बहाने उसके साथ रेप किया और धमकी दी कि शोर मचाया तो माता पिता को मरवा डालेंगे। तो परिवार की जान बचाने के लिए उसने आसाराम की ज्यादती सहन की और आश्रम से निकलने के 4 दिन बाद आसाराम के खिलाफ दिल्ली के कमला मार्केट में मामला दर्ज किया।